पूर्व यूआईटी सदन नरेंद्र सहनी भगत ने एसीबी कोर्ट में लगाई जमानत की याचिका। याचिका पर सुनवाई हुई पूर्ण, 4 बजे आ सकता है फैसला। सहनी के वकील प्रीतम सिंह सोनी ने दिया मीडिया को बेबाक बयान। रेडियो जो माननीय उच्च न्यायालय के अगस्त पालना में आज नरेंद्र सहनी को कोर्ट में सरेंडर किया गया, क्योंकि एसीबी कोर्ट के साथ इस ट्रेनिंग में उनके डीसी कोर्ट में सरेंडर किया। उनके ऊपर पहले एप्लीकेशन पेश की, पहले एप्लीकेशन पर आर्ग्यूमेंट्स हो गए और फैसला संभवतः शाम को या अखबार कल होगा। क्या है, क्या था ये पूरा मामला, क्या था पूरा मामला? बिल्कुल झूठा है, हमारा नेता मुझे बिल्कुल निर्दोष है। इसके पास कोई पॉइंट नहीं था, जिन जिन तथ्यों पर रिकॉर्डिंग करने की बात कर रहा है उन तथ्यों में अजमेर में नहीं था, कोई वॉइस रिकॉर्डर भीलवाड़ा से निकला ही नहीं। पर अजमेर में जब 2 चौकियाँ हैं तो भीलवाड़ा में शिकायत देने का औचित्य नहीं है। जनरल कमीशन ने इसको दोषी माना आज मतदान को, क्या खुद दोषी है? एसीबी के अधिकारी से मिलकर न्यास के अधिकारी पर दबाव डलवाकर फर्जी काम किया था। किस तरह के आरोप थे? मामला ये था कि कुछ लैंड फॉर लैंड के बदले में कुछ भूखंड इसको आवंटित हुए थे। हाई पावर कमेटी के आदेश से इसने अर्जी लगाई पुष्पा सत्यानी के सामने, पुष्पा सत्यानी के सामने अर्जी लगाना, पुष्पा सत्यानी का ट्रांसफर अक्टूबर में हो गया, पुष्पा सत्यानी पर भी आरोप है, वापस नहीं कुछ इनको देना पड़ेगा, अध्यक्ष जी को कुछ पैसे देने पड़ेंगे, ऐसे काम थोड़ी होता है। उसके बाद जिन जिन तिथियों पर ये रिकॉर्डिंग करना बता रहे हैं उन तिथियों पर वॉइस रिकॉर्डर भीलवाड़ा से निकला। 2 तिथियों पर तो ये मीटिंग में रहे, मैंने टोल ना के रसीदें पेश कर दी, अपनी फोन की कॉल लोकेशन पेश कर दी, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कोई भी कॉल डिटेल रिकॉर्ड पर नहीं, कोई वर्क पेंडिंग नहीं था। 7 मार्च को पैसे जमा हो चुके थे, 8 मार्च को पैसे जमा हो गए, तो उसके बाद 7 दिन के पैसे मांगने हो चुके थे। फिर मनोज गिडवानी के पास पैसे लेके उस पैसे लेने से मना कर दिया, ये इनके एफआईआर में स्पष्ट है। शाहानी के अलावा और कितने लोग शामिल थे एफआईआर साहब से? 3 मुलजिम थे, महेश अग्रवाल, मनोज गिडवानी और नरेंद्र सहनी। पहले वाले आईओ ने तीनों को मुलजिम माना, निर्मल शर्मा ने तीनों को क्लीन चिट दे दी, थर्ड आईओ अजय पाल सिंह लामा ने महेश अग्रवाल को क्लीन चिट दी, मनोज गिडवानी शाहानी ने दोषी माना। मनोज हाईकोर्ट से बिल पर है आज, इनको क्या जमानत की अर्जी लगाई? लगा दी, बहस हो गई है, फैसला संभवतः शाम को हो जाएगा अथवा कल होगा, ये न्यायालय को समय मिलने पर है।